नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। हिंदुस्तान में राम मंदिर का मुद्दा आग में घी की तरह काम करता है, जिसकी आंच ने ना जाने कितने सियासी दिग्गजों को झुलसा दिया। मौसम चुनावी है, ऐसे में नेताओं के मुंह से राम राम आम बात हो गई है। मामला कई साल से सुप्रीम कोर्ट में है और सुनवाई 29 जनवरी को होगी, लेकिन इस पर बयानों का सिलसिला लगातार जारी है। राम मंदिर को लेकर संघ ने 2025 की नई तारीख पेश की है, जिसके बाद इस पर एक बार फिर नए सिरे से बहस शुरू हो चुकी है। अब तक लोग सरकार पर ताने कस रहे थे, मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन अब वो तारीख भी आ गई। दरअसल आरएसएस के सर संघ कार्यवाहक भैयाजी जोशी ने कहा कि 2025 में राम जन्मभूमि पर मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं से लेकर कांग्रेस भी मैदान में कूद पड़ी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक तस्वीर ट्वीट करके कहा कि 10 साल में मंदिर का काम कहां से कहां तक पहुंचा, यानी मंदिर को लेकर आने वाले दिनों में कांग्रेस बनाम बीजेपी का युद्ध जोर पकड़ेगा। 2025 में राम जन्मभूमि के ऊपर श्रेष्ठ राम मंदिर बनने के बाद फिर दिशा को और गति प्राप्त होने वाली है। राम मंदिर निर्माण को लेकर के आरएसएस के सरकारवाह भैयाजी जोशी ने नई तारीख का ऐलान कर दिया। भैयाजी जोशी ने कहा कि अयोध्या में साल 2025 में राम मंदिर का निर्माण होगा। अब तक अयोध्या में राम मंदिर का इंतजार कर रहे राम भक्त मोदी सरकार को यही ताना दे रहे थे कि मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। ऐसे लोगों को संघ से राहत की खबर मिली है। संघ नेता भैयाजी जोशी ने कह दिया कि 2025 में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। 1952 में सोमनाथ मंदिर की स्थापना के साथ देश गति से आगे बढ़ा। 2025 में राम जन्मभूमि के ऊपर श्रेष्ठ राम मंदिर बनने के बाद फिर दिशा को और गति प्राप्त होने वाली है, विश्वास। भैयाजी जोशी के बयान के बाद इसके कई मायने निकाले जाने लगे। लोग कहने लगे कि क्या संघ राम मंदिर को लेकर पीछे हट गया? क्या संघ राम मंदिर बनाने के लिए मोदी सरकार को और मोहलत दे रहा है? लेकिन भैया जी चंद घंटों बाद ही फिर कैमरे पर आए और अपने मन की बात कह दी। आज शुरू होगा तो 5% बनेगा, 5% बनेगा। तो सर क्या ये मान के चला, हमारी इच्छा है। क्या सर इच्छा है? सर मंदिर 2025 के पहले पूरा हो जाए। नहीं सर, लेकिन जो आपको लगता है कि लगातार सरकार, वो सरकार से पूछिए। तो आप चाहते हैं 25 तक बनेगा मंदिर? हाँ बनेगा। अध्यादेश लागू करने की बात आपने करी है। देखिए मंदिर बने ये हमारी इच्छा है, 2025 तक पूरा होना चाहिए ये हमारी इच्छा है। तो सर क्या आप सरकार को तय करना है? सर आप तो लगातार कई सालों से बात करते मंदिर बनना चाहिए, आप 25 तारीख की डेट आ गई सर, और 25 तारीख की शुरू थोड़ी करने की बात की है। आज शुरू होगा तो 5 वर्ष में बनेगा, 5 वर्ष में बनेगा, बन जाएगा सर 25 तक बनेगा। संघ के कुछ नेताओं का मानना रहा है कि अगर बीजेपी को सत्ता मिली है तो उसे राम मंदिर निर्माण की पहल करनी चाहिए थी, क्योंकि लोगों ने मोदी सरकार को इसलिए भी चुना था कि उनका मानना था कि सरकार हिंदुओं की भावनाओं का ध्यान रखेगी। लेकिन सत्ता में आने के बाद सरकार की प्राथमिकताएं बदल गई। अब भैयाजी जोशी की इस बयान के बाद राम मंदिर पर नए सिरे से बहस शुरू हो चुकी है। नहीं, जो चीज सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मालकाना जिसकी जमीन का मामला, जमीन तो निर्मोही अखाड़े की है और पक्षकार है निर्मोही अखाड़ा, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। ये लोग तो कह रहे हैं कि नहीं बना पाएंगे, ना ही बना पाएंगे, लेकिन जो चीज़ सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जो निर्णय होगा, हम लोगों को राम जी के ऊपर विश्वास है, निर्मोही अखाड़ा हर प्रकार से बना लेंगे। ये लोग तो केवल राजनीति का मुद्दा दिखा रहे हैं, सरकार जो दे रहा, सरकार जो अपना काम कर रहे हैं, सरकार तो हिंदू मोहम्मद सबको एक प्रकार उनको देखना है। देखिए बाबरी मस्जिद का मुकदमा, राम जन्मभूमि का मुकदमा जो है सुप्रीम कोर्ट में है। कोर्ट जो भी फैसला करेगा, हिंदू पक्षकार भी कहता है हम मानेंगे, मुसलमान पक्षकार के जो है कहता है हम मानेंगे,
रही नेताओं की बात, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो विकास की बात कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो भी जो है विकास की बात कर रहे हैं। आज जो है उत्तर प्रदेश में भी कानून का राज है, कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी इनकी भी सरकार ठीक चल रही है, विकास हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना विकास में जो लगी हुई है, जो दिमाग लगाए हैं कि जो है विकास हो रहा है, हम विकास जो है करेंगे। इनके अपने ही कुछ नेता जो सरकार जो ठीक चल रही तो इनको रास नहीं आ रही है। आज ये लोग सरकार पे तंज कस रहे हैं, इसलिए कि इनको अपनी भी कुर्सी चाहिए। अब भैया जी जोशी राम मंदिर पर बोले और उस पर सियासत ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? उनके इस बयान पर सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने सोशल मीडिया पर चल रहे 10 ईयर चैलेंज के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने एक तस्वीर में राम मंदिर के पत्थर की तस्वीर लगाई और बताया कि 2009 में भी ऐसा ही था और 2019 में भी पत्थर वही रखे हुए हैं। दूसरी फोटो में थरूर ने बीजेपी हेडक्वार्टर की 2009 की तस्वीर पोस्ट की और 2019 के बीजेपी हेडक्वार्टर की तस्वीर पोस्ट करते हुए बताने की कोशिश की गई कि बीजेपी हेडक्वार्टर को इन वर्षों में भव्य करवा लिया गया, लेकिन राम मंदिर पर कुछ नहीं किया गया। उनसे संवेदना की बात कर रहे हैं भैया जी जोशी, मुझे स्पष्ट नहीं है। उन्होंने संभवतः एक तिथि भी बताई, एक वर्ष बताया 2025। जाहिर है 7 वर्ष आगे का वक्त लिया और मामला सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है। अगर योगी जी संवेदनशील है तो जोशी भैया जी जोशी जी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, संवेदनशीलता को परिभाषित कर दीजिए। अध्यादेश की बात भी कह रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, संवेदनशीलता को परिभाषित कर दीजिए। और क्या जब मामला सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के बयान शोभा देता है, सारे न्यायालयों पर ताला लटका तो भाई आप संघ के लोग वही चाहते हो कि संविधान ना चले, मुल्क में रूल ऑफ लॉ ना चले, विम्स ऑफ संघ चले। कतई नहीं होगा, कतई नहीं होगा। अदालत का मामला है और अदालत के बाहर इस तरह के जो बयानात लोग देते हैं वो एक दबाव की राजनीति करते हैं। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जब इस पर अपना वक्तव्य दे चुके हैं, बाकायदा कह चुके हैं कि जब तक अदालत का फैसला नहीं होता उससे पहले कुछ नहीं होगा, तो इस तरह के बयानबाजी सिर्फ वोटों को रिझाने के लिए है, लोगों में एक छवि जो है जो बिगड़ रही है उसको किसी तरह सुधारने के लिए है। और RSS भी इसमें शामिल है। राम मंदिर की निर्माण आज शुरू हो जानी चाहिए और उसके लिए मैंने कानूनी रास्ता बताई है कि जो जमीन है वो तो सरकार के हाथ में है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिर्फ मालिक कौन है उस जमीन का वही तय कर रहे हैं, परंतु सरकार जो है वो तो हमारी संविधान के अनुसार किसी की भी जमीन ले सकती है, सिर्फ मुआवजा देना है। तो जब ये सुप्रीम कोर्ट 10 साल 15 साल 100 साल 20 साल 1000 साल के बाद फैसला करती है कि किसकी जमीन है, उस समय की सरकार मुआवजा दे देगी। और आज राम मंदिर बनाने के लिए कोई रुकावट नहीं और इसीलिए तुरंत आज ही रात को विश्व हिंदू परिषद को जमीन दे देना चाहिए, या मोदी को और कोई पसंद है तो उनको दे देना चाहिए। योगी जी और मोदी जी की सरकार कितनी संवेदनशील है इस बात से पता चलता है कि वहाँ उत्तर प्रदेश में हजारों बच्चे मर गए बिना स्वास्थ्य सेवाओं के। वहाँ पर जिस प्रकार से दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, जैसे महिलाओं के साथ जुल्म और अन्याय अत्याचार हो रहा है, लिंचिंग हो रही है, इन सारी घटनाओं के बाद उनकी संवेदनशीलता, उन्होंने जिसको दरकिनार रख दिया है, दावा करना बड़ा हास्यास्पद है। उधर राम मंदिर को लेकर 31 जनवरी को प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एक धर्म संसद का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें दावा किया जा रहा है करीब 5000 साधु संत शिरकत करेंगे और राम मंदिर पर फैसला लिया जाएगा। राम मंदिर पर एक तरफ जहां संतों में गुस्सा है तो वहीं बीजेपी के लिए भी राह आसान नहीं होने वाली, क्योंकि राम मंदिर को लेकर संत खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। अब राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई 29 जनवरी को है और धर्म संसद से पहले इस पर सिर्फ साधु संतों की ही नहीं बल्कि पूरे देश की नजरें टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।
राम मंदिर का मुद्दा कई साल से सुप्रीम कोर्ट में है। अब अगली सुनवाई की नई तारीख 29 जनवरी मुकर्रर हुई है। 70 साल से राम भक्त मंदिर की आस में हैं, लेकिन कोर्ट से उन्हें सिर्फ तारीख पर तारीख ही मिल रही है। लोग इस पर हो रही सियासत से अब तंग आ चुके हैं, और अब जनता को जहां सुप्रीम कोर्ट से जल्द फैसले की उम्मीद है, वहीं सरकार के ढुलमुल रवैये को लेकर नाराजगी भी है। राम मंदिर का मुद्दा पिछले 70 साल से चल रहा है। 70 साल से राम भक्त मंदिर की आस में हैं, लेकिन कोर्ट से उन्हें सिर्फ तारीख पे तारीख मिल रही है। सिर्फ जनवरी में ही कोर्ट से 3 तारीखें मिल चुकी हैं। सबसे पहले 4 जनवरी को कोर्ट में सुनवाई होनी थी। राम भक्त इस आस में थे कि नए साल में कोर्ट से कुछ अच्छी खबर मिलेगी, और दोनों ही पक्ष इस सुनवाई को लेकर खुश थे। कोर्ट ने महज 30 सेकंड की सुनवाई के बाद 10 जनवरी को आने को कहा। 70 साल प्रतीक्षा कोई किया हो ऐसा कहीं नहीं, ये केवल हमारे जो है बहुसंख्यक समाज का वो है, और निश्चित रूप से ये उच्चतम न्यायालय के जो जस्टिस हैं ये जन भावनाओं का आदर करेंगे। यदि 10 के बाद सुनवाई टलेगी तो जन भावनाओं की जो आस्था है उस पर इतना बड़ा कुठाराघात वज्रपात हो जाएगा, और जिसको हम लोग नहीं झेल पाएंगे। इसलिए अब उच्चतम न्यायालय से है कि आप हिंदू मुसलमान मत देखिए, मैं नहीं कहता हूँ, आप साक्ष्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर, पुरातत्व विभाग ने जो खुदाई किया है वो सब आधार पर आप राम मंदिर के पक्ष में फैसला दें। अब 10 जनवरी को अयोध्या केस में नई तारीख मिलने की संभावना तो सबको थी, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि सुनवाई के लिए फिर से नई बेंच के गठन की जरूरत होगी। अयोध्या केस में सुनवाई शुरू होते ही नया मोड़ उस वक्त आ गया जब जस्टिस यू ललित ने 5 जजों की बेंच से खुद को अलग कर लिया, जिसके बाद सुनवाई की नई तारीख 29 जनवरी मुकर्रर हुई। इसे लेकर आरएसएस के नेता ने कांग्रेस को ही जिम्मेदार बता दिया। इसके बारे में सब दल अपने कमिटमेंट को क्लियर करें, ताकि पता लग जाएगा कौन बाधक है और शैतान का काम करता है, कौन एंटी डेमोक्रेट है, एंटी जस्टिस है, एंटी फंडामेंटल राइट्स है। 3 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की थी, हम डे टू डे हियरिंग करेंगे, अर्लीएस्ट डिसीजन दे देंगे। डिले 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 होते हुए और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी बदल गया, कुछ जज भी बदल गए, और जो चीफ जस्टिस हैं और अन्य 2-3 जज हैं उनका जो व्यवहार है वो तीसरी इस न्याय में बाधा है। दरअसल सुनवाई के लिए नई पीठ की नौबत इसलिए आ गई क्योंकि मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने कुछ चीजों पर आपत्ति दर्ज करा दी। राजीव धवन ने बेंच में शुमार जस्टिस यू ललित को लेकर सवाल खड़े कर दिए, जिसके बाद ललित ने खुद को इससे अलग कर लिया और सुनवाई के लिए एक और नई तारीख मिल गई। हालांकि जैसे ही अदालत की कार्यवाही शुरू हुई चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने साफ कर दिया था कि अभी केस की सुनवाई नहीं, बल्कि कोर्ट में केस की सुनवाई के लिए समय सीमा तय की जाएगी। लेकिन कोर्ट के बाहर लोग ऐसे इंतजार कर रहे थे जैसे उन्हें नई तारीख नहीं बल्कि फैसले की तारीख सुनने के लिए बेचैन हो। आइए अब आपको बताते हैं कि राम मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट में अब तक क्या क्या हुआ। 9 मई 2011 सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। 1 मार्च 2017 सुप्रीम कोर्ट ने आपसी सहमति से विवाद सुलझाने की सलाह दी। 19 अप्रैल 2017 सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले में बीजेपी और आरएसएस के कई नेताओं के खिलाफ आपराधिक केस चलाने का आदेश दिया। 1 दिसंबर 2017 को कई कार्यकर्ताओं ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के साल 2010 के फैसले को चुनौती दी। 8 फरवरी 2018 सुप्रीम कोर्ट ने सिविल अपील पर सुनवाई शुरू कर दी। 20 जुलाई 2018 मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा। 29 अक्टूबर 2018 सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जल्द सुनवाई पर इनकार करते हुए केस जनवरी 2019 तक के लिए टाल दिया। 4 जनवरी 2019 सुप्रीम कोर्ट में 10 जनवरी तक सुनवाई चली। फिर 10 जनवरी 2019 को जस्टिस यू ललित पर सवाल खड़े करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी तक मामले को टाल दिया।
यानी अयोध्या केस में अभी सुनवाई की कोई समय सीमा तय नहीं हो पाई। हो सकता है अगली तारीख पर भी सुनवाई की शुरुआत इसी जगह से हो, लेकिन धर्म और राजनीति का जो कॉम्बो 1992 में देखने को मिला था, कुछ कुछ वैसा ही माहौल एक बार फिर नजर आने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। हर बार चुनाव नजदीक आते ही राम मंदिर का मुद्दा गर्मा जाता है। इस बार भी राम मंदिर का मुद्दा गर्म है। देश में राम मंदिर को लेकर राजनीति तेज हो चुकी है। हर पार्टी की जबान पर राम का नाम है, जिसका इस्तेमाल वो अपने अपने सियासी फायदे के लिए करते हैं। राम मंदिर बीजेपी के चुनावी मैनिफेस्टो का हिस्सा रहा है, लेकिन पार्टी पर आरोप लगता रहा है कि वो इस पर गंभीर नहीं है। बीजेपी पर लोग ये भी आरोप लगाते रहे हैं कि पार्टी ने इस मुद्दे को सिर्फ चुनाव जीतने के लिए इस्तेमाल किया और इसे जिंदा रखना ही उसके फायदे में है। पार्टी की सरकार बनेगी तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा, इसमें कोई संदेह किसी को होना ही नहीं चाहिए। सभी चाहते हैं कि जो है भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बने। तो वकील का काम जो है अदालत के अंदर कोर्ट की जबान बोलना है, अदालत की जबान बोलना है। सीधे आरोप लगा रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने हिंदू धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। बाबर ने तो राम मंदिर तोड़ा था, मोदी जी ने हिंदुओं का विश्वास तोड़ा है। जिस दिन ये हो जाएगा मैं भी एक पत्थर लगाने जाऊंगा, अगर आप लोग इजाजत दें। तमाम हिंदुओं की आस्था का केंद्र प्रभु श्री राम, उसके लिए अगर ये व्यवहार हो तो इससे बुरा दिन भारत के हिंदुओं के लिए और कुछ नहीं। हिंदुस्तान में राम मंदिर का मुद्दा आग में घी की तरह काम करता है, जिसकी आंच ने न जाने कितने सियासी दिग्गजों को झुलसा दिया। मौसम चुनावी है, ऐसे में नेताओं के मुंह से राम राम आम हो गया है। मंदिर तो जरूर बनेगा, उसे दुनिया कोई ताकत रोक नहीं सकती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मामला है, हम लोग जल्द निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं और जल्दी निर्णय आएगा, ऐसी अपेक्षा के साथ हर राम भक्त हर पूज्य संत बैठे हैं। मंदिर बन करके रहेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। ये भाजपा के लिए चुनावी मुद्दा नहीं है, ये तो आस्था का है, राम हमारे दिल में है। नहीं, हमारे उन्होंने विपक्ष के आरोप और विपक्ष के निर्देश पे सरकार नहीं चलती, सरकार जनता के हित में चलती है। देखिए, कुछ ऐसे सद्पुरुष होते हैं जिनकी टिप्पणी के बाद भी दूसरी टिप्पणी की संभावना नहीं होती। उन्होंने कहा होगा, जरूर से किसी बात को सोचकर कहा होगा। भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंड है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में पहले से घोषित कर रखा है। मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड हमारे संकल्प पत्र में पहले से है और आज भी हम उस पर कायम हैं। और कोई सद्पुरुष अगर कोई टिप्पणी करता है तो उसकी टिप्पणी के पीछे कोई तर्क होता है और उसमें विश्वास करना चाहिए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी आज जिस भव्य स्वरूप और राजनीतिक हैसियत में है, इसके पीछे राम मंदिर मुद्दे का सबसे बड़ा योगदान है। दो सांसदों से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने तक जब जब बीजेपी संकट में पड़ी, उसे राम नाम से ही सहारा मिला। बीजेपी राम मंदिर मुद्दे को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती रही, लेकिन आज ये मुद्दा ऐसे मकाम पर पहुंच चुका है जहां बीजेपी को इस मामले में कोई ठोस कदम उठाना जरूरी सा हो गया है। आज केंद्र और उत्तर प्रदेश दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। बीजेपी के सामने एक तरफ देश की वो जनता है जिसने उसे राम मंदिर के मुद्दे पर समर्थन और वोट दिए, तो दूसरी तरफ वो सुप्रीम कोर्ट है जहां मामले की सुनवाई लंबित है। ऐसे में इस मुद्दे पर बीजेपी की स्थिति आगे कुआं पीछे खाई वाली है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के प्रकाश में लाया गया है और इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि संविधान की मर्यादाओं में हम इसका समाधान करेंगे। इस बात का कोई इनकार नहीं कर सकता है कि आज़ादी के 70 साल बाद सरकारों में बैठे हुए लोगों ने इस मसले को रोकने के लिए भरपूर प्रयास किया है। आज भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है, एक प्रकार से पूर्णता के किनारे पर आकर के बैठा हुआ है। मैं कांग्रेस के साथियों से विशेष रूप से विनती करता हूँ, देश की शांति, सुरक्षा, भाईचारे के लिए आग्रह करता हूं कि वे उनके अपने वकीलों को कोर्ट के अंदर इस मसले में रुकावट डालने वाले एजेंडा से बाहर निकालें।
उधर राम मंदिर के मुद्दे पर टाल मटोल से बीजेपी के सहयोगी हिंदुवादी संगठन और खासकर आरएसएस में भी नाराजगी का माहौल है। असल में SC ST एक्ट में अध्यादेश लाकर मोदी सरकार ने खुद अपनी मुश्किल बढ़ाई है। ऐसे में राम भक्त दलील दे रहे हैं कि राम मंदिर पर भी सरकार अध्यादेश लाए। पिछले 2-3 महीनों से ये मुद्दा लगातार चर्चा में है। साधु संत, आरएसएस, BSP से लेकर राम भक्त राम मंदिर निर्माण के लिए मोदी सरकार पर दबाव बना रहे हैं। खुल गई तो भगवान राम का ये प्रकोप है और ये एक सपक है। यदि इस प्रकार से वो आगे 2019 का लोकसभा को जीतना चाहते हैं, फिर सत्ता माना चाहते हैं, तो इसके पहले श्री राम जन्मभूमि के मंदिर का निर्माण करना शुरू कर दें, अन्यथा वह बहुत कठिन पड़ेगा। इसको हम और पहले भी कह चुके हैं और आज भी कहते हैं, बनाना पड़ेगा अध्यादेश पर दबाव। लेकिन सरकार को अपनी सरकार भी तो बचानी होगी। सरकार बचे कि न बचे, राम मंदिर को बचाना होगा। उधर कांग्रेस भी इस मुद्दे को अपने तरीके से भुनाने की कोशिश में है। राम मंदिर को लेकर कांग्रेस हमेशा से ये कहकर बचती रही है कि मामला कोर्ट में लंबित है, लेकिन कांग्रेस के बयानवीर नेता हमेशा इस मुद्दे पर बयानों के तीर छोड़ते रहते हैं। हाल में ही मणिशंकर अय्यर ने एक कार्यक्रम में राम जन्मभूमि की जगह को लेकर सवाल खड़े कर दिए। आप जरूर बनाइए अयोध्या में यदि आप चाहते हो, लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि मंदिर वही बनाएंगे? मंदिर वही बनाने का क्या मतलब बना? दशरथ एक बहुत बड़े महाराजा थे। कहा जाता है कि उनके महल में 10,000 कमरे थे, तो कौन जानता है कि कौन सा कमरा कहां था? इसलिए ये कहना कि क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे भगवान राम यही पैदा हुए थे और इसीलिए वही बनाना है, और क्योंकि एक मस्जिद है वहां उसको हम पहले तोड़ेंगे और उसके जगह हम बनाएंगे, हम ये कहें कि क्या अल्लाह में भरोसा रखना कोई गलत चीज है हिंदुस्तानी के लिए? इस बीच राम मंदिर को लेकर के जिन लोगों के समर्थन से बीजेपी ने दिल्ली की कुर्सी हासिल की, आज उनके सुर बदलते नजर आ रहे हैं। लोग मोदी सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं। न्यायालय सरकार की ओर इशारा कर रहा है कि जब आप SC ST पर कानून बना सकते हो तो राम मंदिर पर क्यों नहीं कानून बना देते हो? और मौजूदा सरकार की जो ये मानसिकता है, ये बिल्कुल दूषित है, बहुत खराब है। जिस तरह से मैं आमरण अनशन पर बैठा था, उसके पहले सब मुद्दा सोया हुआ था, कोई नहीं बोल रहा था। अब बाढ़ आ गई है, केवल यश लेने वालों की बाढ़ आ गई है। वो भी बनाना नहीं चाहते हैं, केवल चाहते हैं कि धीरे धीरे आचार संहिता लग जाए, इसके बाद फिर एक बार फिर कुर्सी जो है हथिया ले। अब फिर राम मंदिर जो है तो 4 साल के लिए सो जाएगा, फिर आएगा, ये अब नहीं हो पाएगा। दरअसल ये कसक 7 दशक की है। देखा जाए तो अयोध्या में राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद से जुड़ा केस अदालत में 1950 से चल रहा है। 7 दशकों में तो दुनिया के तमाम विवाद सुलझ जाते हैं, लेकिन अयोध्या विवाद है कि सुलझने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि दिन ब दिन और ज्यादा उलझता जा रहा है। इतने लंबे समय में तो न जाने कितना कुछ बदल जाता है, लेकिन अयोध्या की तस्वीर ज्यों की त्यों है। 500 साल पुरानी जमीन के मालिकाना हक का ये मामला पहली बार 1950 में अदालत पहुंचा। तब से लेकर आज तक महज फैसले का इंतजार है। हमारे देश के नेताओं ने राजनीति में प्रतीकों के जरिए अपने काम को बखूबी अंजाम दिया। राम मंदिर में ताले लगाने की बात हो या खुलवाने की, नेताओं ने भारत की इसी सांस्कृतिक और धार्मिक बहुलतावादी ढांचे को वोट बैंक के रूप में बखूबी भुनाया। किसी ने अल्पसंख्यकों को रिझाया तो किसी ने बहुसंख्यकों को साधा। जैसे ही चुनाव सामने आता है, मंदिर का चिन्ह बाहर आ ही जाता है। कई बार सियासी समीकरणों को पलट चुका मंदिर मुद्दा एक बार फिर चुनावी चौखट को खटखटाने लगा है। नए साल के साथ ही लोगों के दिलों में फैसले की नई उम्मीद ने दस्तक दी है। सबके जहन में बस यही सवाल है, क्या सुप्रीम कोर्ट अयोध्या मामले पर रोज सुनवाई करेगा? क्या लोकसभा चुनाव से पहले कोर्ट का फैसला आ जाएगा? क्या अरसे से चला आ रहा जमीन के मालिकाना हक का मामला सुलझ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अगर देरी होती है तो क्या मोदी सरकार अध्यादेश का मन बनाएगी? क्या हिंदू संगठन फैसले तक सरकार पर अध्यादेश के लिए दबाव बनाना छोड़ देंगे?
इन सारे सवालों के जवाब धीरे धीरे 29 जनवरी से सुनवाई के साथ ही साफ होते जाएंगे। दरअसल हिंदुस्तान की सियासत का केंद्र रहा अयोध्या, राम नाम की सियासत से अब तंग आ चुकी है। अब यहां की जनता को जहां सुप्रीम कोर्ट से जल्द फैसले की उम्मीद है, तो वहीं सरकार के ढुलमुल रवैये को लेकर नाराजगी भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो राम मंदिर पर अब अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी और अब पूरे देश की निगाहें इस आने वाली 29 तारीख पे है कि अब क्या होगा, कोई फैसला वहां से निकलेगा या फिर एक और नई तारीख मिलेगी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।